तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि चेस कैसे खेला जाता है, इसके जितने भी रूल्स है वो हम लोग आज देखेंगे। इसमें से सबसे छोटा वाला है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, इसको बच्चा बोला जाता है, सैनिक बोलते हैं। ये सामने वाला रो में जितना भी है सबको सैनिक बोला जाता है। और ये सामने वाला जो पहला स्टेप चलता है वो दो स्टेप होता है ना, दो स्टेप चलना है। कोई भी बच्चे को हम लोग दो स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। दो स्टेप के बाद जब कोई बच्चा दो स्टेप आगे बढ़ गया तो उसके बाद जो होता है वो सिंगल स्टेप आगे बढ़ सकता है बस, या तो सिंगल स्टेप आगे बढ़ सकता है या कॉर्नर पे अगर कोई हो तो कॉर्नर पे इसको काट सकता है। लेकिन आगे बढ़ना हो तो ये सिंगल स्टेप आगे बढ़ेगा, नहीं तो कॉर्नर पे ये काट सकता है, सामने से नहीं काट सकता। कोई बच्चा सामने हो ऐसे करके तो इसको ये नहीं काट सकता, लेकिन ये कॉर्नर वाले को काट सकता है। तो ठीक है, ये तो बच्चे का हुआ, इसको हम लोग सैनिक बोलते हैं। उसके बाद आता है पीछे वाला, ये पीछे रो वाला, इसमें जो है सबसे ये लास्ट वाला, इसको बोलते हैं हम लोग हाथी, इसको हिंदी में हाथी बोला जाता है। और हाथी का क्या होता है, ये सिर्फ स्ट्रेट चल सकता है, या तो आगे जा सकता है या इस वाले लाइन पे आ सकता है, कॉर्नर पे नहीं जा सकता, बस स्ट्रेट में चलता है। और स्ट्रेट में चलने के लिए इसके सामने कोई नहीं होना चाहिए, तभी ये आगे बढ़ पाएगा। अगर ये यहाँ पे है तो अभी इसके सामने ये सैनिक खड़ा है तो ये सैनिक को पार करके नहीं जा सकता, नहीं तो वो अपने ही सैनिक को मार देगा। तो ये सैनिक को पार करके नहीं जा सकता, ना तो इधर जा सकता है, तो ये हाथी अभी कहीं भी नहीं जा सकता। लेकिन यही बच्चा आगे रहता तो ये हाथी यहाँ जा सकता था या यहाँ जा सकता था या यहाँ आने के बाद ये इधर कहीं भी जा सकता था। तो ये क्या हाथी का। उसके बाद होता है ये घोड़ा, घोड़ा जो चलता है ये ढाई स्टेप चलता है। ढाई स्टेप क्या होता है, ये ढाई स्टेप किसी सैनिक को भी पार करके जा सकता है। घोड़े क्या होते हैं, उछल कूद के छलांग मार के किसी को भी पार करके आगे बढ़ सकता है, इसीलिए। लेकिन हाथी ऐसे उछल नहीं सकता। घोड़ा क्या होता है, इसको सैनिक को पार करके ये ढाई स्टेप चलेगा, एक स्टेप दो स्टेप और उसके बगल वाला एक स्टेप, इसको बोलते हैं ढाई स्टेप, एक स्टेप दो स्टेप ढाई स्टेप से यहाँ पे है तो ये यहाँ जा सकता है या यहाँ से उठ के यहाँ आ सकता है। तो घोड़ा सैनिक को पार करके जा सकता है। अगर यहाँ पे हो घोड़ा तो ये कहाँ कहाँ जा सकता है, एक स्टेप दो स्टेप और ढाई स्टेप, यहाँ यहाँ उसके बाद यहाँ, या फिर यहाँ से ये एक स्टेप दो स्टेप या ढाई स्टेप, ये ऐसे करके एल शेप में चलता है, एक स्टेप दो स्टेप ढाई स्टेप। तो ये क्या घोड़े का चाल। अब फिर आता है किश्ती, घोड़े के बाद आता है किश्ती। किश्ती किधर जा सकता है, किश्ती अब क्या है, ये किसी सैनिक को पास करके नहीं जा सकता है। किश्ती का भी ये फिक्स है, किसी सैनिक को पास करके नहीं जाएगा, इसको रास्ता जब तक खाली नहीं रहेगा तब तक नहीं चलेगा। तो रास्ता क्या है, ये सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर जा सकता है। तो अगर किश्ती को लेना है तो इसको हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये कॉर्नर में मूव कर सके, इसके लिए रास्ता खाली होना चाहिए तभी ये मूव कर पाएगा। तो किश्ती हमेशा इस कॉर्नर पे जाएगा या इस कॉर्नर, ब्लैक वाला जो ब्लैक वाले पे जो रखा हुआ है वो सिर्फ ब्लैक वाले कॉर्नर पे जा सकता है, अपने कॉर्नर पे मूव करेगा ये। तो किश्ती का हम लोग देख लिए, सिर्फ ये कॉर्नर वाइज ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। उसके बाद आता है ये मंत्री, मंत्री का क्या है, ये भी मंत्री भी किसी को क्रॉस करके नहीं जा सकता, या तो ये स्ट्रेट जाएगा या इस स्ट्रेट पे जाएगा या कॉर्नर पे जाएगा। मतलब इसमें हाथी का भी चाल है और किश्ती का भी चाल है, ये दोनों का मिक्सर है ना। मंत्री बहुत वो पावरफुल होता है और ये राजा के बिल्कुल करीब होता है, तो इसमें हाथी का भी गुण है और किश्ती का भी गुण है, दोनों है इसमें। तो स्ट्रेट भी जा सकता है या कॉर्नर पे भी जा सकता है, लेकिन ये घोड़े की तरह किसी सैनिक को क्रॉस करके नहीं जा सकता, तो इसके लिए भी मंत्री के लिए रास्ता खाली होना चाहिए। उसके बगल में आता है राजा। अब राजा का क्या है, राजा भी किसी सैनिक को पास करके नहीं जा सकता, राजा हमेशा अपने बगल वाले किसी भी, अगर राजा यहाँ पे हो तो ये राजा अपने आसपास किसी भी डायरेक्शन में एक घर पे चल सकता है, कॉर्नर पे या स्ट्रेट, लेकिन हमेशा एक ही घर चलेगा। तो ये राजा का फिक्स है कि हमेशा एक ही घर चलेगा। तो ये हो गया हम लोग का राजा। अब इसमें भी कि चेस में बहुत सारे टर्म्स होते हैं कि जैसे कोई भी अगर सामने वाला कुछ ऐसा चाल चल दे जिससे आपका राजा मरने वाला हो, तो किसी तरह ये मंत्री उठ के यहाँ से यहाँ आ गया या यहाँ से यहाँ आ गया, तो अब क्या ये मंत्री कॉर्नर वाइज भी चल सकता है, स्ट्रेट भी चल सकता है, तो ये मंत्री से ये राजा मर सकता है इसका। तो यहाँ पर आने के बाद मरने पर अगर दिख जाए कि यहाँ से मरने वाला है तो सामने वाले को कहना पड़ेगा कि चेक हो गया, कि अपने राजा को बचाओगे, बचा सकते हो। तो ये वार्निंग बोलते हैं इसको, वार्निंग दिया जाता है। उसके बाद वार्निंग के बिना हम लोग किसी दूसरे का राजा को नहीं मार सकते।
किसी भी वॉर में क्या होता है, पहले बताना पड़ता है कि हम लोग युद्ध करने आ रहे हैं, तभी इसको वॉर वॉर रूल बोलते हैं ना इसको। तो बताना पड़ता है कि आपका राजा खतरे में, उसको बचा लो, तो इसको बोलते हैं चेक, है ना। अगर नहीं बचा पा रहा है तब होता है कि हाँ वो हार गया, अब राजा को नहीं बचा पा रहा है, तो ये चेक वाला वर्ड याद रखना। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोज है इसमें कि चार ही चाल में कैसे हम लोग किसी को भी हरा सकते हैं, तो वो हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू।